हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज आपके सामने एक हम बैच अनाउंस करने वाले हैं, वो बैच है पीजीटी मैथमेटिक्स का। स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। इससे पहले आप हमको लगभग 6 महीने से स्टूडेंट हमको कह रहे हैं कि सर आप पीजीटी मैथमेटिक्स का बैच शुरू कीजिए, लेकिन कुछ कारणों के कारण जो है हम बैच को शुरू नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपका जो है पीजीटी मैथमेटिक्स का बैच शुरू होने वाला। क्यों शुरू कर रहे हैं सर, इस टाइम पहले क्यों नहीं शुरू किए या बाद में क्यों नहीं शुरू करेंगे, आपको हम पूरी तरह से आपको पूरा आइडिया दे देते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इससे पहले आपका टीजीटी मैथमेटिक्स का बैच आपका यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। लगभग सिलेबस कंप्लीट है, कुछ पार्ट बाकी है। इंटीग्रल कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, ये आपका बाकी है। बाकी पूरा का पूरा जो है लगभग सिलेबस कंप्लीट है, उसका क्वेश्चन में हम सारा करा दिए हुए हैं, ठीक। अभी आप बीच में पीजीटी मैथमेटिक्स शुरू करने का क्या मतलब बनता है, तो एक बात समझ लीजिए कि हवा पीजीटी की तरफ बह रही है, तो जिधर हवा बहे उधर ही हम लोग को भी बहना पड़ेगा, ठीक है। अभी पूरी तरह से मार्केट में यही हल्ला है कि पीजीटी का वैकेंसी पहले आने वाला है, ठीक है, टीजीटी का कुछ दिन बाद आने वाला है। तो जैसा हवा है उसी डायरेक्शन में हम लोग को भी बहना है, उसी के तर्ज पे हम आपके सामने एक पीजीटी का बैच लेके आए हुए हैं। वो बैच आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है, किसका होगा, पीजीटी मैथमेटिक्स का होगा। लेकिन आपको अभी इसमें इंटरेस्टिंग बहुत कुछ है, क्या इंटरेस्टिंग है आपको धीरे धीरे आपको हम समझाएंगे, ठीक है। ये पीजीटी मैथमेटिक्स का बैच जो है, ये पीजीटी मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आप टीजीटी का अगर आप क्लास कर रहे होंगे मेरे साथ यूट्यूब में, अगर आप जुड़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा सिलेबस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है टीजीटी का, ठीक है। अगर आप नहीं देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमको कहाँ मिलेगा ये टीजीटी का बैच, तो आपको बता देते हैं, आप मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में एक बना होगा आपका प्लेलिस्ट, आपका झारखंड टीजीटी मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना होगा, इसमें आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का बहुत सारा बना हुआ, हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट है, उससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप इस प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका बात रहा टीजीटी का, ठीक है, ये आपका चल ही रहा है। अब पीजीटी मैथमेटिक्स का अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो टीजीटी मैथमेटिक्स का 3 है, 3 गुना है, ठीक है, 2.5 से 3 गुना जितना सिलेबस इसका है उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका है, ठीक है। इसमें आपका जो है इस टीजीटी का सिलेबस में जो है आपका 70-30 का रेशियो है, कि 70% जो है वो प्लस टू लेवल का है और 30% जो है ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस को रखा गया है, ठीक है, ग्रेजुएशन वाला। इसमें जो पूरी तरह से लगभग 90% ग्रेजुएशन वाला सिलेबस को रखा हुआ है, मतलब जो ऑनर्स में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स आप किए होंगे तो उस दौरान आप जो पढ़े होंगे सिलेबस, उस सिलेबस को रखा गया है पीजीटी में, ठीक है। और कुछ कुछ पार्ट इससे हट के भी है जो आप नहीं पढ़े होंगे, है ना, कुछ कुछ पार्ट इन द सेंस कहने का है कि कहीं कहीं एक दो पेपर होता है, डीएससी पेपर होता है यूनिवर्सिटी में, ऑप्शनल पेपर होता है, ये लीजिए या ये लीजिए, लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में ऐसा होता है, ये पढ़ लीजिए या तो ये पढ़ लीजिए, तो स्टूडेंट को लगेगा कि यार ये तो हम पढ़े हुए हैं, ये वाला पार्ट हम नहीं पढ़े हुए, वो है ना ऑप्शनल के चलते हो जाता है। लेकिन इसमें कि सारा का सारा घुसा दिया, कुछ कुछ इससे भी ऊपर जाएगा, ऑनर्स के ऊपर भी, ठीक है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहां कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। ये मामला रहा पीजीटी का। अभी आपका इसमें क्या इंटरेस्टिंग आपको बता देते हैं कि अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स का क्लास करते हैं तो झारखंड सरकार 2 वैकेंसी और लेके आई हुई है, वो वैकेंसी आ चुका है, ठीक है, JSSC 2 वैकेंसी लाई, एक JTGLCCE और एक JMSCCE। माने क्या हुआ सर, तो झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक ये झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो है मेरिट वाला पेपर में 100 क्वेश्चन जो है मेरिट वाला पेपर में 100 क्वेश्चन इसमें भी और 100 क्वेश्चन इसमें भी विशिष्ट विषय का रखा है। विशिष्ट विषय मतलब जिसमें ऑनर्स किए हैं, ठीक है। क्या सर इसको सभी ऑनर्स वाले दोनों एग्जाम को भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट के लिए इसको रखा गया, जिसे मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स में जो ग्रेजुएट हैं इन दोनों एग्जाम को भर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों एग्जाम को भरने के लिए ना ही आपको BEd चाहिए ना ही आपको PG चाहिए, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप ये दोनों एग्जाम को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें जो 100 क्वेश्चन का जो रखा हुआ है मेरिट वाला पेपर में, आप देखिएगा पेपर 3 में
में 100 क्वेश्चन विशिष्ट विषय का लिखा हुआ दोनों में। ये जो 100 क्वेश्चन विशिष्ट विषय का वो क्या है, ये सिलेबस आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आप अगर नोटिफिकेशन का सबसे नीचे जाइएगा इन दोनों का, तो उसमें विशिष्ट विषय का सिलेबस लिखा हुआ है और वो सिलेबस कॉपी पेस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस से। ठीक है, अभी आपका दिमाग में और एक चीज और आएगा कि सर ये पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको कहां मिला है, तो वैकेंसी निकल भी नहीं किया। ये पीजीटी मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है वो आपको हम प्रीवियस ईयर वाला के बात बता रहे हैं, जो प्रीवियस इससे पहले जो वैकेंसी आई हुई थी पीजीटी का, उस वैकेंसी के अनुसार इस सिलेबस का हम बात कर रहे हैं। और सिलेबस कहीं से भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, एज इट इज आपके पास पेश किया जाएगा पीजीटी में। ठीक है, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस का एक बार ध्यान रखिएगा, ना ही टीजीटी में सिलेबस चेंज होने वाला, ना ही पीजीटी में सिलेबस चेंज, जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो वही रहेगा, है ना। तो इसमें जो सिलेबस है सेम पीजीटी मैथमेटिक्स का, 100 क्वेश्चन इसमें रख दिया है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रख दिया, मतलब अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स का तैयारी करते हैं तो आपका ये भी हो जाएगा 100 क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा 100 क्वेश्चन। खैर इसमें एक्स्ट्रा और भी है, कुछ कुछ पढ़ना है उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन फायदा तो मेरा यहाँ 100 क्वेश्चन का निकाल दे रहा, मतलब एक तीर से तीन निशाना, सीधा सीधी बात है, बढ़िया। लेकिन फायदा किसके लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं है ना। और ये पीजीटी मैथ जो है उस मैथमेटिक्स से फिजिक्स वाला के लिए काम नहीं देगा, वो पहले बता देते हैं, जो स्टूडेंट फिजिक्स का मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ काम का नहीं है। ठीक है, इसमें जो है पीजीटी मैथ का सिलेबस जो अलग है ना, और टीजीटी मैथ फिजिक्स अलग होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़, अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको हम सारा कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं कि क्या क्या इस जो बैच अभी हम लाने वाले हैं उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, पेड होगा कि फ्री होगा, कब होगा, कितना दिन होगा, कितना दिन में कंप्लीट होगा, है ना, कैसा कराइएगा, सब कुछ आपको हम बता देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ एग्जाम का, कंडक्टिंग एजेंसी का, इसको हम बता देते हैं। पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, आपको हम पहले बता देते हैं, उस एग्जाम को मत OMR और OMR सीट पे एग्जाम नहीं हुआ था पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी का होता है OMR में, लेकिन पीजीटी का जो एग्जाम हुआ वो TCS कराई थी। ठीक है, कौन कराया था, TCS IO1 डिजिटल वाला कराया था इस एग्जाम को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी TCS ही कराए, खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इस बार भी ऑनलाइन ही हो, TCS IO1 डिजिटल एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है। ठीक है, ये मोड ऑफ एग्जाम आपको समझ में आ गया है। सिलेबस का आपको बता दें कि तीन गुना है भाई, किसका, तो TGT का, और ये सिलेबस का इससे थोड़ा सा भी मैच करता है क्या, TGT का सिलेबस PGT का सिलेबस से थोड़ा सा भी मैच करता है, तो नहीं करता है, एक पैसा नहीं करता। ठीक है, पूरी तरह से अलग है, ये पूरी तरह से अलग है ना। सिलेबस अगर आप किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो इसका एक वीडियो हम और डालने वाले हैं, इसमें आपको सिलेबस को डिस्कस कर देंगे कि सिलेबस क्या है। ठीक है, खैर बहुत बड़ा सिलेबस है ना, आपको बता देंगे लेकिन डिस्कस कर देंगे सिलेबस। एक रहा अब ये बैच का टाइमिंग का, ये बैच कब शुरू होगा सर, तो ये बैच शुरू कब होगा आपको हम बता देते हैं। ये बैच जो है 25 जून से शुरू होगा, कब होगा, तो 25 जून से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक, ये समझ लीजिए। अब ये सर ये लाइव होगा कि प्रीमियर होगा वो भी बता देते हैं। ये 25 जून से शुरू होगा और ये कितना दिन चलेगा वीक में, तो वीक में तीन दिन चलेगा, वीक में तीन दिन चलेगा। के पढ़ाएगा, तो हम खुद पढ़ाएंगे, आपको पते है ना। ठीक है, चलिए, तो 25 जून वीक में तीन दिन। अब आगे चलते, लाइव होगा कि प्रीमियर होगा सर, ये कहाँ चलेगा सबसे पहले बताते हैं, ये आपका यूट्यूब में चलेगा, तो यहीं से आपको पूरा तरह से क्लियर होगा कि बैच पेड होगा कि फ्री होगा। ये पूरी तरह से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एक को रुपया नहीं देना आपको किसी को, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना, एक रुपए कहीं खर्च नहीं करना इस बैच को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर यूट्यूब में चलेगा। ठीक है, आपको करना खाली यही है कि थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, वो भी आपका मन करेगा तो, नहीं करेगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे क्लियर हो गया, पेड है कि फ्री, ये पूरी तरह से फ्री है, पेड नहीं होगा। TGT का जो बैच है उसका क्या होगा सर, इससे पहले हम लोग का TGT का बैच चल रहा था उसका क्या होगा, ये एज इट इज चलते रहेगा जैसा चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई रोक बाधा नहीं है, पूरी तरह से वैसे ही चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये पीजीटी का बैच जो है वो तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और कब से स्टार्ट हो गया बता दिए हम, 25 जून से। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा आपका दिमाग में और चलेगा, थोड़ा खुन दिमाग में करेगा। ठीक है, क्या खुन आएगा, तो अरे भाई ये तो इतना बड़ा बैच है सर आपका, ये फ्री चल रहा है, क्या कैसा पढ़ाइएगा, कैसा रहेगा, क्या मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि ऐसे ही। तो आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये जो इसका जो अभी आपका दिमाग में और एक चीज़ क्या चलेगा सर, इसको पेड कहीं नहीं कर रहे हैं, इसको
पेड़ का ही नहीं कर रहे हैं। तो बाबू मेरे और भैया मेरे आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इसको अगर हम पेड़ कर देंगे तो आप इसका फी देने के लायक नहीं रह जाइएगा, ठीक है। क्योंकि TGT का ही अगर फी आप मार्केट में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, तो PGT का सिलेबस जो है 3 गुना उससे है, ठीक है। तो उसका फी का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसको पेड इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि झारखंड के स्टूडेंट्स का उतना अच्छा स्थिति नहीं है। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि झारखंड में जितना भी लगभग 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास या तो फिर मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, और उनके पास ऐसा मतलब उतना साधन भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि इस पेड बैच को खरीद सके, ठीक है। क्योंकि इसका फी बहुत ज़्यादा होने वाला था अगर इसको हम पेड करते तो, ठीक है, इसलिए इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए अगला बात समझिए, और क्या सर इसको फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये बात बता दें यार, फ्री पढ़ाने से क्या सर क्वालिटी कैसा रहेगा। तो आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि इस बैच में जो भी चीज़ पढ़ाएंगे इसमें क्वालिटी के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से आपका प्योर मैथमेटिक्स का जितना पार्ट है और जिसमें प्योर मैथमेटिक्स नहीं है पूरी दोनों मिला हुआ है, तो आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, और उसमें आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा और उसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी का टेंशन नहीं लीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि क्लास करना है कि नहीं करना तो मेरे TGT वाला बैच देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा हम पढ़ा कैसा रहे, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में हमको बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं भाई, ये बात क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में हम बहुत नया आए हुए हैं, ठीक है। पिछला ही साल हम जो अपना YouTube का चैनल बनाए हुए हैं वहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, TGT का बैच फर्स्ट बैच जो हम शुरू किए हैं TGT का ही बैच पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन में हमको बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में डाउट होगा कि ये टीचर कैसा पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा या टाइम बर्बाद करवा देगा बस वगैरह वगैरह बहुत सारा डाउट होगा, ठीक है। तो डाउट के लिए मेरे पास बहुत मतलब मेरा चैनल बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर एक दो क्लास कर लीजिएगा तो आपको कुछ थोड़ी चल जाएगा, है ना, कीजिए मन करेगा तो ही कीजिएगा। देखिए आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लगेगा कि ये टीचर हमको पढ़ाने के लायक है, ये हमको पढ़ा सकता है, तभी आप हमको टाइम दीजिएगा यूट्यूब में, नहीं तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ लीजिएगा और फिर लास्ट में हमको मतलब कि अंदर अंदर आपको ये फील होगा कि यार हम तो टाइम बर्बाद कर दिए सर, ऐसा नहीं है ना। कुछ दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा तो ही पढ़िएगा, नहीं लगेगा नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा है इसमें, ठीक। चलिए आपका मामला समझ में आ गया, वो सारा सब कुछ तो बताइए दिए, लाइव प्रीमियर बेस्ट टाइमिंग, हाँ वो आपका प्रीमियर का जो है हफ्ता में 3 दिन होगा आपको बता दिए, ठीक है। ये आपका प्रीमियर होगा, प्रीमियर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रीमियर का मतलब होता है हम पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, किसी भी टाइम उसको हम चला देंगे, ठीक है, और किसी भी टाइम के बाद हमेशा वो चलते रहेगा, है ना। जैसे मान के चलिए आज शाम को हम वीडियो रिकॉर्ड किए और उसको कल हम दोपहर 2 बजे टाइम सेट कर दें, दोपहर 2 बजे वो चलेगा, है ना। तो उसे दोपहर 2 बजे के बाद वो लाइफ टाइम चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बंद नहीं है। उसके बाद वो ऐसा नहीं कि एक ही बार चला उसके बाद से नहीं चलने लगा, वैसा कोई सीन नहीं होगा, हमेशा चलेगा। और कैसे पता चलेगा सर किस दिन प्रीमियर होगा किस दिन प्रीमियर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब ज़रूरी है, और उसका जो बेल आइकन है वो प्रेस रहेगा, तभी आपको जिस दिन प्रीमियर होगा उसका सुबह ही आपको पता चल जाएगा कि आज क्लास होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप चाहे तो प्रीमियर आप जुड़े उस नहीं जुड़े कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी वीडियो देख लीजिए, कोई इशू नहीं। और एक चीज़ आपको बता सर, लाइव क्यों नहीं करना चाह रहे हैं सर, प्रीमियर क्यों कर रहे हैं लाइव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि देखिए लाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो मेरे पास नहीं है, सीधा सा बात है, झूठ बोलने का कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लाइव करने के लिए बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ना ही यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, नहीं बहुत बड़ा 3 लाख का कैमरा है मेरे पास, ठीक है। जो है मेरे पास वो ये 2 गो मार्कर 3 गो मार्कर है और ये वो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, जो कि हम समझते हैं कि PGT और TGT का पढ़ाने के लिए काफ़ी है। और ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड का रहता तो मेरे लिए सुविधा होता, ठीक है, लेकिन आपका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वो रहता तो मेरे लिए थोड़ा सुविधा हो जाता, लेकिन आपका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ही पढ़ाएंगे जिसमें पढ़ाएंगे, हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, चाहे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, चाहे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाए, चाहे ग्रीन बोर्ड में पढ़ाएंगे, हम ही क्वालिटी आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा आपका मेरा ही सुविधा होता उसमें, लेकिन नहीं है चल कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है ही नहीं, हम कहाँ से कर देंगे, ठीक है। लाइव करने के लिए बहुत पैंतरा है, बहुत चीज़ सामान चाहिए, मेरे पास नहीं है, ठीक है, वो बात आप समझ गए, लाइव किस लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रीमियर होगा, बैच का टाइम बता दिए 25 जून से शुरू होगा, हफ्ता में 3 दिन आपका होगा, ठीक है। अब ये प्रीमियर कितने बजे होगा वो भी आपको हम बता देना चाहते हैं, प्रीमियर के लिए आपका टाइम हम खुद अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम पोल करा देंगे, ठीक है, एक यूट्यूब में आपको हम पोल करा देंगे,
इस पोल में आप लोग अब 4-5 को ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, आप लोग खुद जवाब दे दीजिए कितना बजे प्रीमियर कराना, ठीक है। खैर इस प्रीमियर से उतना फर्क पड़ने का जरूरत नहीं, कभी भी वीडियो चलेगा, प्रीमियर के बाद हमेशा चलते रहेगा, है ना। तो ये प्रीमियर, और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम PGT का बैच के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इसमें ऐसा नहीं कि बीच में हम छोड़ दें, कुछ भी नहीं, आपका जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक हम जुड़े हुए हैं। इसमें थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ, डाउट क्लियर है सब, आपको जो है कमेंट बॉक्स में डालना है, आपको डाउट भी अगला लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है, कहीं भी नहीं। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर हम यही देख पा रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उसके लिए ये गो, दो गो और तीन गो, ठीक है, तीन फायदा है, एक एग्जाम, दो एग्जाम, तीन एग्जाम, ठीक है। इन दोनों का वैकेंसी आ गया, इसका आने वाला मामला क्लियर है। तो और जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया इस बैच के इससे रिलेटेड, कुछ भी आपको अगर दिक्कत रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और अब सीधे आपसे हम मिलेंगे 25 जून में, आपका इस PGT का बैच में 25 जून में मिलेंगे, और TGT का बैच आपका शुरू होने वाला है। बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ कारण था, ठीक है, TGT का बैच 25 से पहले ही होगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये 25 को होगा, ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।